तो गाइस घने दिनों से कमेंट आ रही थी स्वामी 393 की वीडियो के लिए। स्वामी 393 में बिकाऊ मतलब सर्जी दिलवा दो वो, तो आज मैं स्वामी 393 की वीडियो लाया हूँ। हमारे पास ही वो स्वामी 393 में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ट्रैक्टर ऑफिशियल 111 चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको स्वामी 393 ट्रैक्टर दिखाता हूँ, किस तरीके का है, कंडीशन क्या है, कितना पुराना है, उसका तेल एवरेज क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जैसा भी है वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको स्वामी 393। तो गाइस ये स्वामी 393 है। ये 8 मॉडल ट्रैक्टर है। इस पर काफ़ी धूल मट्टी चढ़ी हुई है क्योंकि ये खास चलता नहीं है। ये 8 मॉडल है स्वामी 393। इस पर अपना खाना साथ रोटरी रोटरी का भी काम होता है। पहले इस पर 6 फुटी रोटरी चलती थी शक्तिमान की। मैं इसके आपको डैशबोर्ड सब देखो धूल चढ़ी पड़ी है, सारे ट्रैक्टर पे धूल धूल हो रही है, देखो मीटर पे भी। तो ये 8 मॉडल है स्वामी 393। कंडीशन इसकी वॉश होते ये सफ़ा हो जाएगा, ये काफ़ी लंबे समय से खड़ा है। तो इसकी फ्रंट लुक स्वामी 393, ये इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्वामी 393 है। ये 8 मॉडल है। टायर इसके लगभग टायर इसके 70 पैसे तो अगले हैं और भैया 85 पैसे पिछले हैं इसके टायर। ये देखो ये दूसरे जोड़ी टायर है दोनों, ये पहले गिरे थे बाद में गिरे थे। ये है कंडीशन इसकी। भाई जिसके पास भी ट्रैक्टर हो कोई नहीं बेचता, एक नंबर का ट्रैक्टर है। एवरेज रोटावेटर पे तो देखो ज़्यादा लेता है, 6 लीटर ले लेता है। जैसे छोटा ट्रैक्टर रोटावेटर पे तो उसका एवरेज क्योंकि जत्थर के हिसाब से रोटा 6 फुटी पर 5 लीटर लेता है, 7 फुटी पर ये 6 साढ़े 6 लीटर लेता है, 8 फुटी पर ये 7 लीटर ले हुआ है। वो स्वामी परम का 8 फुटा रोटावेटर खड़ा आपको दिख रहा होगा। इसके पीछे जस्ट पीछे शक्तिमान का 7 फुटा रोटावेटर 60 फुटा है। तो इन दोनों रोटावेटर को ये अपना कहना लीवर के माध्यम से खींच देता है। लीवर थोड़ा सहारना पड़ता है क्योंकि शक्तिमान का तो बहुत कड़ा चलता है, तो उस पर खास खींचता नहीं, तो कभी कभार जोड़ते नहीं। तो वो परम का 8 फुटा रोटावेटर इस पर जुड़ता है, ये चलता है। ये आओ मैं उसको आपको ऊपर की कंडीशन दिखा दो। देखो सारे पे धूल धूल चढ़ रही हुई है। ये देखो उसका क्या कवाड़े कवाड़ा पड़ा है इसमें, इसके लीवर, ये इसके गियर, ये इसका सारा धूल हो रहा है। ये इसका मीटर, शीशे से धूल चढ़ी हुई है। ये इसका मीटर है, दी घंटे चला हुआ है 1449 घंटे। ये इसका सेकंड मीटर है, इसका ओरिजिनल मीटर नहीं है। ये इसका शायद तीसरा मीटर है, इसका जब नहीं शायद दूसरा मीटर है इसका। जो पहला था उसमें 11,000 घंटे चला हुआ था ये, हाँ 11,000 घंटे चला हुआ था। ये इसका दूसरा मीटर है और इसका एक बार आधा आधा इंजन हुआ, इसके पिस्टन हुए हैं, तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। अब आकर ये सस्पेंडल क्लच है, देख लो इसमें 8 मॉडल में भी सस्पेंडल क्लच थे। इसमें ये देखो इसकी खासियत, सस्पेंडल क्लच, डिस ब्रेक, ये देखो इसके डिस ब्रेक के तेल यहाँ पे, यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये तेल डिब्बी है इसकी, इसमें तेल गिरता है। इसके ब्रेक हैं डिस्क ब्रेक 8 मॉडल में भी। और पीछे आ जाओ, पीछे आपको मैं दिखाता हूँ उसकी कंडीशन। ये इसके पीछे से कंडीशन है। इसका लिफ्ट ऐसा है, अगर कोई काम करना हो लिफ्ट को ऊपर उठा दो लॉक हो जाता है, बंद हो, नीचे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। ये इसके पीछे कंडीशन है। ये देखो इसमें ये जैक अलग से लगवाए हुए हैं, पहले इसमें चैन थी, अब ये जैक सही है क्योंकि रोटावेटर पर बिल्कुल सेम चलते हैं, एक साथ कोई दिक्कत नहीं होती। ये इसकी कंडीशन देखो, सारा बहुत पुराना, और देखो गुमर गार्ड भी गली सी रहे हैं इसके। अब आकर ये है स्वामी 393, 39 HP का ट्रैक्टर है। मैं इसको आपको उसका बोनट खोल के दिखा देता हूँ। इसके जहाँ ये लट्टू से जाम हो रहे हैं, तो बोनट इन लट्टू से खुलता है, इनका बोनट हिलता भी नहीं है, वैसे मजबूत है। इसमें ये ऑयल वाला फिल्टर है, ये 3 सिलेंडर इंजन है इसका। देखो उसका सेल्फ देखो कितना बड़ा है, इसका सेल्फ इतना बड़ा है, इसमें 100 एम्पीयर का बैटरी काम करता है। ये 7 स्टेयरिंग है मैनुअल अपना, ये स्वामी से देखो, ये देखो स्वामी 393। ये देखो बहुत से भाई कहते हैं 93 नहीं है, 50 HP का है या 45 HP का, भाई ये 39 HP का ट्रैक्टर है। जिसके पास भी हो को 6 फुट रोटावेटर बेफिक्र, कोई सी भी कंपनी का जोन से का आपके बेफिक्र चलता है, 4-6 फुटे पे कोई दिक्कत नहीं। ये गजब ट्रैक्टर है इसके लिए। ये देखो उसकी सीट भी वैसी है, मतलब सीट दूसरी गिरवाई है, इसमें पहली सीट इसकी ख़राब हो गई थी, बढ़िया अपना
देखो इसके डिस्क ब्रेक है, ये यहाँ से साइड ब्रेक हो जाते हैं, और इसको नो कर दो, ये दोनों ब्रेक एक गल काम करते हैं, इसको ऊपर ऊपर उठा तो एक ब्रेक काम करता है। गजब खासियत इसका एक्सीलेटर हुआ, ये इसमें अलग से लगवाया हुआ है, ये डीजल फिल्टर सा है, ये अपना अलग से है, क्योंकि पानी पात दिख जाए कचरा तो यहाँ से खोल कर बाहर निकाल लो, ट्रैक्टर का इंजन बचा रहता है, ये इसकी कंडीशन है। तो वीडियो अच्छी लगे भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है आपके, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना हम कुछ भी नहीं। आप जब सब्सक्राइब करते हो हमें अच्छा लगता है, लाइक करते हो जब भी अच्छा लगता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।